हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केयर सिन आर्ट्स में। आज मैं आपको सरस्वती माता का ये फेस मेकिंग करके दिखाऊंगा, तो आप चलिए बने रहे मेरे साथ वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केयर सिन आर्ट्स। आज मैं आपको माता सरस्वती की फेस मेकिंग का पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, जिसके लिए मैंने सबसे पहले मिट्टी का एक सर्कल राउंड गोला बनाया था। उसके बाद मैंने मिट्टी से ही एक फ्लैट शेप लेके उसे सबसे टॉप पर हेड पे सरस्वती माता का जहाँ मैं हेड बनाऊँगा वहाँ चिपका दिया और आँख के लिए दो पॉइंट कर दिए। इसके बाद मैं उसके नोज़ को बनाऊँगा, जहाँ पर मैंने मिट्टी देके वहाँ नोज़ थोड़ा ऊपर उठा दिया है। जिस तरह का नाक होता है उस तरह मैंने वहाँ पे मिट्टी देके शेप दे दिया है। अब उसके चीक पे थोड़ा सा मिट्टी देके उसे भी ऊंचा करूँगा और दोनों साइड करूँगा। इसके बाद मैं इन सबको मैनेज कर दूंगा, मतलब एक शेप में मिला रहा हूँ। इसके बाद मैं उसके लिप्स को बनाऊंगा। लिप्स बनाने के लिए भी मैंने थोड़ा सा मिट्टी लेके लिप्स के स्थान पे दिया और वहाँ पे थोड़ा ऊंचा कर दिया। अब मैं इस फेस को पानी से पूरा अच्छे तरह से मिला रहा हूँ। थोड़ा सा हेड पे भी मैंने मिट्टी दिया, ताकि शेप मिलाने के लिए मुझे वहाँ पे मिट्टी देना पड़ा, क्योंकि एक साइज पे ही चेहरे को मैं लेके जाना चाहता था, इसीलिए मुझे वहाँ पे देना पड़ा। और अब इसमें मैं टूल्स के हेल्प से हर एक चीज़ को कटिंग करके बनाऊँगा। आप वीडियो में मेरे साथ बने रहें। अब मैं टूल्स लेके उसके लिप्स का जो जगह होता है उसे पॉइंट कर दिया हूँ और उसके बाद आँख पे थोड़ा सा मिट्टी दे दिया। वो मिट्टी को मैंने थोड़ा सा राउंड करके उसके आँख पे चिपका दिया और मैं उस जो मिट्टी को चिपकाया हूँ उसी पे आँख का डिज़ाइन बनाऊँगा अपने टूल्स के हेल्प से। अब मैं थोड़ा सा नोज़ को कट किया हूँ, क्योंकि नोज़ मुझे काफ़ी बड़ा लग रहा था इस फेस के मुताबिक, तो मैंने उसे कट किया और अब मैं टूल्स के हेल्प से आँख को बना रहा हूँ। आप भी इस तरह के फेस को अगर बनाना चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो को पूरा प्रोसेस में लास्ट तक देखिए, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मैंने टूल्स की हेल्प से उस फेस का आईब्रो बना लिया है। अब मैं उसकी आँखों की पलकों को बनाऊँगा और उसके आँखों का जो आईबॉल होता है उसे भी कट करूँगा। अब मैं आईबॉल्स बना रहा हूँ। आईबॉल्स कट करके मैं जिस तरह निकालूंगा, आँखों का जो पलक होता है वो ऑटोमेटिक बाहर चला आएगा। आँखों के पलकों को बनाने के लिए कोई अलग से दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप आईबॉल्स का कटिंग कीजिए, आंखों की पलकें खुद ब खुद बाहर चली जाएंगी। मैं इसी तरह दूसरे आँख में भी कर लूँगा, और इस चीज़ को बनाते वक्त आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि दोनों आँख सेम लगे बराबर, एक आँख बड़ा और एक आँख छोटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फेस अच्छा नहीं लगेगा देखने में, अजीब सा लुक बाहर आएगा। आप इस दोनों आईज़ को एक पॉइंट पे मिलाकर बनाना। अब मैं लिप्स का डिज़ाइन बना रहा हूँ। लिप्स को बनाने के लिए मैंने जो पहले पॉइंट मार्क किया था उसमें ही मैंने एक पॉइंट और नोज़ और लिप के बीच में दिया, और उसके बाद
ऊपर वाले पल्क को थोड़ा सा उठा दिया और नीचे वाले को थोड़ा सा पॉइंट करके नीचे गहराई में लगा दिया हूँ, ताकि लिप्स का एक उभार जो होता है वो नज़र आए। फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे मिट्टी थोड़ी कम लग रही थी, इसलिए मैं वहाँ पे अलग से मिट्टी लगाया हूँ। ये चीज़ आपको बनाते बनाते समझ में आएगा कि कहाँ पे और क्या लगना चाहिए, आप खुद ब खुद समझ जाओगे, ये बताने वाली बात नहीं है। अब मैं उसके आईब्रो को बना रहा हूँ। जितने भी पॉइंट मार्क किए थे उस पॉइंट को थोड़ा डार्क कर रहा हूँ, क्योंकि डार्क इसलिए करना पड़ता है कि अगर मैं अभी इस फेस में जो डिज़ाइन कट किया हूँ, तो अगर मैं इसे डार्क नहीं करूँगा तो इसके बाद मैं अगर इस फेस को स्मूथ करूँ और इसके बाद अगर कलर चढ़ाऊँ, तो फिर ये जो भी पॉइंट किया हुआ मार्क है ये सारा धुंधला हो जाएगा, मिट जाएगा। इसीलिए मैं उसे डीप डार्क कर दिया, ताकि कलर करने के बाद भी वो बना रहे। तो ये फेस तैयार हो चुकी है, अब मैं इसे ब्रश मार के स्मूद करूंगा। ब्रश चलाते वक्त आप बस इतना ध्यान रखिए कि जो कट है उसी कट के अराउंड ब्रश के साथ अपने हैंड को मूव कीजिएगा, नहीं तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप मूव करोगे तो आपका फेस खराब हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो इतने पे ही एंड होती है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।